बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ठीक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में क्या क्या चीजें याद करनी है आपको चीठियों की बीस हजार से ज्यादा जातियां पाई जाती हैं बीटल की तीन लाख से ज्यादा जातियां हैं अट्ठाईस हजार जातियां फिशेस की हैं और बीस हजार जातियां ऑर्किड की प्रेजेंट होती हैं ठीक है ऑर्किड की प्रेजेंट होती हैं बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलर किया एडवर्ड विल्सन ने एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलर किया था बायोडायवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पे पाई जाती है लेकिन तीन कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं जेनेटिक डायवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी रोलफिया ओमेटोरिया में पाई जाती है ये हिमालय पे पाया जाता है और इसमें जो रेसरपिन नाम का केमिकल होता है उसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है इंडिया में पचास हज़ार जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन राइस के पाए जाते हैं और एक हज़ार वेराइटी मैंगो की होती है तो राउलफिया राइस और मैंगो तीन ऐसे एग्जाम्पल आपके सिलेबस में जहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी है स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें स्पीसीज लेवल पर पाई जाती है वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीसीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट की तुलना में ज़्यादा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इको लेवल की होती है इंडिया में नॉर्वे की तुलना में ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पाई जाती है 2004, के, अनुसार तो तो के अनुसार चार के अनुसार जो स्पीसीज अभी तक खोजी गई करें तो रॉबर्ट मे के अनुसार करीब सात मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ पर प्रेजेंट मतलब सत्तर लाख जाती जो स्पीसीज अभी तक तो खोजी गई उनमें सेवेंटी परसेंट से, से ज्यादा एन, स्पीसीज एनिमल की हैं जबकि प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट की स्पीसीज 22 परसेंट से कम है 22% से कम है एनिमल में अगर बात करें तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा स्पीसीज़ रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो 70% टोटल एनिमल का होता है इसका मतलब हर 10 में से सात एनिमल इस प्लेनेट के ऊपर क्या है इंसेक्ट हो जाएंगे ये आपको जो फिगर दिए गए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखो ये वाला आपके नीट में पूछा जा चुका है इंसेक्ट सबसे ज्यादा वाला फिर मोलस्क क्रस्टेशियन और अदर एनिमल ग्रुप क्लॉकवाइज याद करिएगा वर्टिब्रेट में दो हिस्से बना लीजिएगा एक हिस्सा फिशेस का हो जाएगा और फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड मैमल इवोल्यूशन के क्रम में अरेंज कर दीजिएगा प्लांट में लाइकेन एलगी फंजाई मॉसेस फर्न और एलिज और इधर एंजियोस्पर्म आपको दिए गए इंडिया ने वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर किया है लेकिन ग्लोबल स्पीसीज़ डाइवर्सिटी में हमारा कंट्रीब्यूशन 8.1 परसेंट है और इसीलिए इंडिया जो दुनिया की 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है उनमें से एक हिस्सा है इंडिया में 45,000 प्लांट की स्पीसीज और करीब 90,000 एनिमल की स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं रॉबर्ट मे के अनुसार केवल 22 परसेंट स्पीसीज ही अभी खोजी गई हैं और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में अभी एक लाख प्लांट की स्पीसीज़ और करीब तीन लाख से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज अभी भी खोजी जानी बाकी हैं टर्न ऑफ बायोडावर्सिटी लेटीट्यूडल ग्रेडियंट और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है ठीक है डिपेंड करता है तो चलिए पहले लैटिट्यूडल ग्रेडियंट की बात करते हैं ट्रॉपिक्स की लैटिट्यूडनल रेंज होती तर, है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ से ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री साउथ तक ठीक है अब देखो कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास होता है वहां पर 1400 सौ स्पीसीज बर्ड की होती है न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ पर 105 सौ पांच स्पीसीज है बर्ड की और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ है वहां पर 56 सिक्स स्पीसीज बर्ड की हैं जैसे जैसे लेटिट्यूड बढ़ता है स्पीसीज का नंबर घटता जाता है इंडिया का ज्यादातर हिस्सा इंडिया का ज्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में आता है इसलिए यहाँ पर बारह सौ ज्यादा बारह सौ से ज्यादा स्पीसीज बर्ड की पाई जाती है अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे इक्वाडोर ठीक है यहां पर करीब 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं मिडवेस्ट ऑफ यूएसए की तुलना में जो कि एक जंगल है टेम्परेट रीजन में टेम्परेट रीजन का जंगल है अमेजन रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें जो कि साउथ अमेरिका में यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है यहाँ पर चालीस हजार स्पीसीज प्लांट की तीन हज़ार फिसेज की तेरह सौ बर्ड की चार सौ सत्ताईस मैमल की चार सौ सत्ताइस एम्फीब की तीन सौ अठहत्तर रेप्टाइल की और करीब एक लाख पच्चीस हजार इनवर्टिव की स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं स्पिसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में एक्सप्लोरिंग किया था और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप हमें जो मिलता है वो होता है, है सिंपली पहले और ये रेक्टेंगुलर बोला है ना स्पीसीज और एरिया के बीच में हमें जो कर्व मिलता है वो रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होता है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला कहा दिया गया है चलो ठीक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एस इज इक्वल टू सी ए टू पावर z के लिए अगर लॉग लॉग स्केल की बात करें अगर लॉग लॉग स्केल की बात करते हैं तो लॉग लॉग स्केल पे लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस z लॉग ए हो जाता है जहां पर z इज द स्लोप ऑफ लाइन जिसे रेग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं और सी जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है लॉग लॉग स्केल पे जो रिलेशन होगा स्पीसीज और एरिया का वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन ठीक है तो नॉर्मल कंडीशन में सी ए टू पावर जेड आएगा जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और लॉग लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन करवा जाएगा अब जो जेड की वैल्यू होती बेटा पॉइंट वन से पॉइंट टू के बीच में होती जो किसी भी एरिया या स्पीसीज पर डिपेंड नहीं करती ठीक है लेकिन अगर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को बहुत बड़े एरिया जैसे पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो जो जेड होता है वो स्टीपर हो जाता है उसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 के बीच में होती है जैसे कि फ्रूगी औरस बर्ड की बात करें जो फ्रूट खाने वाली चिड़िया होती है और मैमल इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो जेड की वैल्यू है वन पॉइंट वन फाइव होगी सीधा पूछा जा सकता है डेविड टिलमैन डेविड टिलमैन का लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट है इसमें बताया गया कि जिन आ, जिन आ, एरिया में डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी अब किसी भी आ, बायोडाइवर्सिटी के लॉस का फर्क क्या पड़ेगा इसको समझाने के लिए रेवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी गई पॉल एहरलिक के द्वारा ठीक पॉल एहरलिक एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रेवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी जिसमें एयरप्लेन को इकोसिस्टम के कॉम्पेरेबल बताया गया रिवेट को स्पीसीज के कॉम्पेरेबल बताया गया पॉपिंग ए रिवेट का मतलब बताया गया कॉजिंग ए स्पीसीज टू तो बिकम एक्सटिंक्ट ठीक है और फ्लाइट सेफ्टी का मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस तरीके से हो रहा है पिछले अगर हम ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड की बात करें तो ह्यूमन के द्वारा वहां पर कॉलोनी बनाने से 2000 से ज्यादा बर्ड की स्पीशीज खत्म हो गई आईओसीएन रेड लिस्ट 2004 के अनुसार बात करें तो 784 जातियां खत्म हुई पिछले 500 वर्षों में जिनमें 338 वर्टिब्रेट हैं 359 इनवर्टिब्रेट हैं और 87 प्लांट हैं डोडो मॉरिसस से खत्म होने वाली बर्ड है एक्सटिंग हो गई कोयगा अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से स्टीलर और रसिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है और थ्री सब स्पीसीज बाली जावा कैस्पियन टाइगर की सब स्पीसीज हैं जो पिछले 500 वर्षों में खत्म हो चुकी हैं पिछले 20 वर्षों में करीब 27 जातियां खत्म हो चुकी हैं इस समय अगर दुनिया की बात की जाए तो पंद्रह हजार पांच सौ स्पीसीज खत्म होने वाली हैं और इंडिया से छह सौ पचास से ज्यादा स्पीसीज ऐसी हैं जिनको खत्म होने का खतरा है बारह परसेंट बर्ड की जातियां खत्म होने के कगार पे हैं तेईस परसेंट मैमल बत्तीस परसेंट एम्फीबियन और इकतीस परसेंट जिम्नोस्पम यानी खतरा सबसे ज्यादा किसको है एम्फीबियन को बत्तीस परसेंट जातियां खत्म होने वाली पिछले तीन सौ करोड़ वर्षों के दौरान इतनी डाइवर्सिटी इंडिया पूरे वर्ल्ड में इकट्ठी हुई और इस इतने समय में पांच एपिसोड मास एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं यानी पांच बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है एक मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था उससे ए, सारी स्पीसीज मतलब जो डायनासोर थे वो खत्म हुए थे सिक्स एक्सटिंक्शन इस समय प्रोग्रेस में और छठा एक्सटिंक्शन पांचवे पांच एक्सटिंक्शन से अलग है क्योंकि इसका रेट सौ से हजार गुना ज्यादा है और इसके लिए आप सब जिम्मेदार है ना योर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फास्टर रेट अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अगले 100 साल में आधी जातियां खत्म हो जाएंगी और अगले 200 साल में यह धरती रहने लायक नहीं बचेगी सब कुछ खत्म हो जाएगा जिस तरीके से तुम लोग काम कर रहे हो 100 साल में आधा और 200 साल में पूरा का पूरा जो हमारा इन्वायरमेंट है इकोसिस्टम है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस चार कारण है बेटा चार कारण जिन्हें एवेल क्वारेड कहा जाता है पहला हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन तीसरा एलियन स्पीसीज इन्वेजन और चौथा है को एक्सटेंशन बायो ह्यूमन फिजो हो चुका है ठीक अब देखो है लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो पहले चौदह परसेंट एरिया कवर करते थे अब छह परसेंट से कम एरिया कवर करते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट इतने विशाल हैं कि इन्हें लंग ऑफ प्लेनेट कहा जाता है इन्हें काट के खत्म किया जा रहा सोयाबीन की खेती करेंगे जानवरों को चराने के लिए अमेजन जंगल काटे डाल रहे बताओ ये भी कोई बात हुई है ओवर एक्सप्लाटेशन की बात करें वह नीट टर्न इन ग्री जब आपकी जरूरत लालच में बदलती तब आप ओवर एक्सप्लाटेशन शुरू करते हैं ओवर एक्सप्लाटेशन की वजह से पिछले 500 वर्षों में स्टीलर सेगा और पैसेंजर पिजन खत्म हो गए हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन की अगर हम बात करते हैं तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन में नाइल पर्च का एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करने की वजह से लेक विक्टोरिया है कहाँ ईस्ट अफ्रीका में इससे 200 से ज्यादा सिचिलिड फिश की स्पीसीज खत्म हो गई इसी तरह से

हाँ बिल्कुल बेटा करते गए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लोगे ना तो 320 तो आ ही जाएगा आराम से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो अब दो सवाल हमारे पास है वाई शुड वी कंजर्व बायोडावर्सिटी बायोशन क्यों बचाएं हमारी क्या पड़ी हुई पे तीन चीजें हैं तीन चीजें जिनकी वजह से हम बायोडावर्सिटी को बचाएंगे नैरोली यूटिलिटेरियन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल आर्ग्यूमेंट नैरोली में क्या जाएगा नैरोली में हमारे पास डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं नेचर से हमें फूड मिलता है फायर मिलता है फाइबर कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मेडिसिन हमें मिलती है 25 परसेंट से ज्यादा दवाइयां जो मार्केट में बेची जा रही हैं वो प्लांट से मिलती हैं और 25,000 ऐसी प्लांट स्पीसीज हैं जिनको पूरी दुनिया में दवाइयों के तौर पे यूज किया जा रहा है बायो प्रॉस्पेक्टिंग क्या है एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड बायो प्रॉस्पेक्टिंग और बायो प्रॉस्पेक्टिंग का रिलेशन किससे नैरोली यूटिलिटेरियन से ब्रॉडली पे आ जाते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑक्सीजन देते हैं इसलिए इन्हें है लंग ऑफ द प्लैनेट के नाम से जाना जाता है पॉलीनेशन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का एग्जाम्पल है ठीक पॉलिनेशन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का एग्जाम्पल हो जाएगा इथिकल आर्ग्यूमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पर हर स्पीसीज की एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं हाउ डू वी कंजर्व बायोडावर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचाएंगे तो दो तरीके एक इनसी टू ऑन साइट कंजर्वेशन और एक है एक्सी टू यानी ऑफ साइट कंजर्वेशन दो तरीके हमारे पास हैं। तो पहले इनसी टू कंजर्वेशन की बात करते हैं इनसी टू कंजर्वेशन में हमारे पास हो जाएगा पांच तरीके हमारे पास हो जाएंगे एक हो जाएगा हॉट स्पॉट हमारे पास में है ना हॉट स्पॉट के अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा हो नेशन बायोस्फेर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सेक्रेटर पांच तरीके हैं जो आपको याद करने हैं इन सीटू इनसीटो याद रहेगा तो सिटू याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हॉट स्पॉट क्या होते हैं बेटा हॉट स्पॉट ऐसे रीजन होते हैं जहां पर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है बहुत ज्यादा स्पीसीज है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज एंडेमिज्म का मतलब है ऐसी स्पीसीज जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हूँ बाकी कहीं ना पाई जाती हूँ शुरुआत में पच्चीस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए नॉर्मैन मेयर के द्वारा लेकिन बाद में नौ एड किए गए और इस तरीके से इनका टोटल नंबर कितना हो गया दुनिया में चौतीस हो गया इनमें से तीन हॉटस्पॉट हमारे देश को कवर करते हैं ठीक है हमारे आ, आ, और ये जो हॉट स्पॉट है बेटा इनमें तेजी से हैबिटेट लॉस भी हो रहा है तो तीन हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका इंडो बर्मा और हिमालय ये हमारी कंट्री को कवर करते हैं टोटल हॉटस्पॉट जो चौंतीस हॉटस्पॉट है इनका जो एरिया है वो दो परसेंट से कम है दो परसेंट से

448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो आपको याद करनी है सेक्रेट ग्रुप कहां, कहां पर है खासी हैं आरावली हिल्स इन मेघालय अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र सरगुजा चंदा बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश या सब आपको याद करने एक्ससी टू कंजर्वेशन में क्या करेंगे एक्सी टू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आ जाएगा है ना इसके अलावा एक्सी टू कंजर्वेशन में हमारे पास आ जाएगा जैसे जीन बैंक की बात करें है ना क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस है ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना इन विट्रो टिश्यू कल्चर टेक्निक ये सारी चीज सीड बैंक हो गया जीन बैंक हो गया ये सारे ही एक्सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे सीड बैंक जीन बैंक पॉलन बैंक अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए दो हिस्टोरिक कन्वेंशन की गई बेटा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक है द अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई नाइनटीन नाइनटी टू में और इसका जो मेजर था था वो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ठीक है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन 2002 में वर्ल्ड हुई कहां पर जोहांसबर्ग साउथ अफ्रीका में 190 देश इकट्ठे हुए इन्होंने कसम खाई कि 2010 तक जो बायोडायवर्सिटी में लॉस हो रहा है उसको हम कम करेंगे लेकिन 2010 खत्म होकर 2021 आ गया कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहां पर एन ने लिखा है कि दुनिया भर से करीब 15,500 स्पीशीज खत्म होने वाली हैं और 650 से ज्यादा स्पीसी इंडिया से खत्म होने वाली जिनको खतरा है